हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन एंड नेविगेशन। आज हम जानेंगे कि कैसे हम गूगल मीट में होने वाली अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाउ टू ऐड गूगल मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन, कैसे गूगल मीट एक्सटेंशन जो है उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका एक्सेल शीट या HTML फाइल में हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू डाउनलोड द रिकॉर्डेड अटेंडेंस, ठीक है, और एक्सटेंशन को कैसे ऐड करना है। सबसे पहले हम एक्सटेंशन को पहले अपने लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे गूगल में उसको एक्सटेंशन को, क्रोम में एक्सटेंशन को हमें ऐड करना है, क्रोम में एक्सटेंशन को ऐड करना है, आई रिपीट। तो सबसे पहले आप टाइप करेंगे जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गूगल मीट अटेंडेंस। ठीक है, हम टाइप करते हैं गूगल मीट अटेंड डेंस। ठीक है, ये आ गया गूगल मीट अटेंडेंस। क्रोम में हम इसको खोलेंगे, इसको फायरफॉक्स में भी आप खोल सकते हैं, तो पर हमने इसको क्रोम में खोला है, ये खुल रहा है। ठीक है, मैंने पहले यहाँ पे पहले से ही ये एडेड है, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। इसको आप हम देखते हैं, मैं भी रिमूव करके फिर दिखाऊंगी कैसा ये ऐड करना है हमें। यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा आ रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। मेरे इस ईमेल से मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। अब आप पहली बार जब गूगल मीट अटेंडेंस को अपने सिस्टम में ऐड करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, गूगल मीट अटेंडेंस और ऐड टू क्रोम। आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर वो पूछेगा कि एक्सटेंशन में ऐड करना है। यस, हमें एक्सटेंशन में इसको ऐड करना है, तो ऐड हो जाएगा। एक्सटेंशन के ऐप कहाँ दिखाता है? यहाँ दिखाता है। ये जो साइन है ये एक्सटेंशंस के लिए है, तो मुझे सिंक नहीं करना है तो मैंने ऑफ कर दिया सिंक, और ये एक्सटेंशन में ऐड हो गया। ये जितने भी आइकॉन दिख रहे हैं आपको, ये सारे एक्सटेंशन में एडेड हैं। तो ये जो टिक, ग्रीन कलर का टिक मार्क है, ये गूगल मीट अटेंडेंस का आइकॉन है, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब हमें कैसे गूगल मीट में इसको फंक्शन करना है वो देखते हैं। आई हैव एडेड ऑलरेडी, जो गूगल मीट अटेंडेंस का ऐप है वो मैंने पहले से ही ऐड कर लिया है यहाँ एक्सटेंशन में। तो वो एक्सटेंशन में यहाँ पे हमें ये गूगल मीट अटेंडेंस का ऐप दिखा रहा है। आप इसको यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार रिमूव भी कर सकते हैं, अनपिन भी कर सकते हैं, पिन भी कर सकते हैं। पिन करने पर ये यहाँ पे हमें जो टिक है, चेक मार्क जो है, ये ही गूगल मीट का मीट अटेंडेंस का आइकॉन है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे 9 डॉट्स पे और इन डॉट्स में से गूगल मीट को सिलेक्ट करते हैं। गूगल मीट सिलेक्ट करने पर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एक आइकॉन पॉपअप होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको देखना है कि सेटिंग पहले ही चेंज कर लेनी है। After starting meeting, there will be no change in setting, और आप meeting का जो attendance है वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए अभी मैं meeting start करती हूँ। ये मैंने meeting start की और ये अब देखिए ये icon यहाँ पे आ गया। ओके, join now, यहाँ पे join करने से पहले आपको ये settings, ये जो setting है इसको सेट कर लेना है। इसमें हमें यहाँ पर एडजस्ट द सेटिंग बिलो एज पर योर नीड, हमारी ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को टिक कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है अटेंडेंस लेना, सो मॉनिटर अटेंडेंस इज रिकमेंडेड, ये तो फर्स्ट है तो हमें करना ही है, हमने यहाँ पे टिक कर दिया। सेकेंड ऑप्शन है ऑटोमेटिकली रिमूव प्रीवियस मीट चेक्स। अगर आप चाहते हो कि जैसे आज आप फर्स्ट डे मीटिंग ले रहे हो और आज की मीटिंग तो रिकॉर्ड हो जाएगी, अब सेकेंड डे जब मीटिंग लोगे तो आप चाहते हो कि सेकेंड डे की मीटिंग यहाँ से रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली प्रीवियस मीटिंग, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, टिक कर दिया, आई एम चेकिंग इट एंड ऑटो सेव। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे HTML फाइल में भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि HTML फाइल में हमें जो फाइल है वो गूगल क्रोम आइकॉन में मिलेगी और उसे हम जब खोलेंगे तो एकदम बहुत ही क्लियर पिक्चर हमें अवेलेबल हो जाएगा। सो आई एम टिकिंग इट। ऑटो सेव द CSV फाइल, CSV फाइल में ये अपनी एक्सेल शीट के अंदर हमें प्राप्त होगा जो भी हमारा डाटा है।
ऑटो हाइड द अपडेट्स विंडो 10 सेकेंड, इट्स ओके, जनरेट लॉग्स, इट्स ओके, ठीक है, मैंने सभी को चेक किया है, आप भी सभी को चेक कर देना। अब इसको हम बंद कर देते हैं। नाउ ज्वाइन नाउ, अब मैं मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ मेरा मोबाइल में, मैं इसको, क्योंकि अभी अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये देखो योर मीट स्टार्ट इज सेट टाइम, ये प्लीज कंफर्म दैट फॉलोइंग सेटिंग्स आर करेक्ट बिफोर यू गेट। यहाँ पे 9:35 पे मीटिंग स्टार्ट हुई है एंड द मॉनिटर अटेंडेंस चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड, ये हमें रिमाइंड दे रहा है कि हमने क्या क्या सिलेक्ट किया है। ठीक है, अभी हमने इसको कर दिया। अब इस आइकॉन का क्या करना है, इस आइकॉन को आप यहाँ नीचे कर देते हैं, ओके, इसको कहीं भी आप स्लाइड करके कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया है लिंक, इससे मैं एक मीटिंग को ज्वाइन करती हूँ, मैं अपने मोबाइल से मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ। जैसा मैंने अपने कल वीडियो में बताया था कि हम मीटिंग कोड से ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं इस लैपटॉप में मेरे व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं है, इसलिए मैं ये मीटिंग कोड से मीटिंग को ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मैं ये लिंक कैसे भेजूँ अभी चलती मीटिंग में, इसलिए मैं MIXOYHETPV ये मैंने गूगल मीटिंग कोड डायल किया। अब मैं ज्वाइन करती हूँ, अब मुझे ये ज्वाइन कराने के लिए ऑप्शन आएगा आस्क टू ज्वाइन, अभी देखो ये एडमिट, ओके। यहाँ पर मीटिंग डिटेल्स होती है कि अटैचमेंट्स है कि नहीं है, और ये तो जो ये आइको यहाँ पे लिंक है और ये इसका कोड भी है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये मीटिंग ज्वाइन हो गई है और अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस आइकॉन में, अभी मैं दिखाती हूँ इसको, आप देखिए यहाँ पे इस आइकॉन में हमें दिख रहा है अनुष्का सिंह नाम से कोई पार्टिसिपेंट है, और यहाँ पे क्लियर अटेंडेंस, इसको अभी के अभी क्लियर भी कर सकते हो, ये लिस्ट है माय क्लास, अदर ऑप्शन ऐड, या इसको कर सकते हो क्लियर द लिस्ट फील्ड, और ये जो आइकॉन है सेव अटेंडेंस एज CSV फाइल, जो कि हमें एक्सेल शीट में चाहिए तो, और ये है HTML फाइल में चाहिए तो, हम फ्रेंडली जो है हमारे लिए वो क्या है, एक्सेल शीट। और अब इसमें हमें एक नई चीज़ मिलती है कि देखो यहाँ पे हमेशा जब हम गूगल मीट लेते हैं तो यहाँ पे माइक का और ये लीव कॉल को लीव करने का और अटेंड करने का, और ये एक ऑप्शन आता है कैमरे का, यहाँ पर एक प्रेजेंट वन ऑफ, अब यहाँ पे हम टिक पे हम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट वन ऑफ वन पार्टिसिपेंट, मतलब कितने पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है, ये भी हम चलती मीटिंग में देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यू कैन डाउनलोड योर अटेंडेंस फ्रॉम हेयर। आई रिपीट वंस अगेन कि ये जो ऐप है या फिर जो भी ये सॉफ्टवेयर है, आप अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर एक्सटेंशन में ऐड करेंगे, और मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले ही आपको सेटिंग चेक कर लेनी है, उसके बाद ये आइकॉन पॉपअप होगा और यू कैन ज्वाइन मीटिंग एंड वी कैन टेक रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स और द आवर कलीग एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ मीटिंग। थैंक यू फॉर द डे।